राशन वितरण का कार्यक्रम जनपद कासगंज में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के उपलक्ष्य में प्रत्येक राशन कोटा डीलर पर राशन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत केड़ी में भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत जी महेश्वरी एवं गौरव दयाल कमिश्नर अलीगढ़ सहित जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आज देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के राशन उपभोक्ताओं से वर्चुअल मीटिंग के जरिए बातचीत की एवं उन्होंने वर्चुअल माध्यम भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बातचीत की। इसी के तहत आज कासगंज जनपद के सभी राशन डीलरों के यहाँ खाद्य वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो लगे खाद्यान्न बैग भी अनाज से भरकर वितरित कराए एवं साथ ही साथ उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जिले के आला अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे भारतीय जनता पार्टी ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अब की बार 350 पार सीटें हम यूपी में लेकर आएंगे और उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि प्रदेश में ना कोई गरीब रहेगा और ना ही कोई भूखा सोएगा। इसी योजना के अंतर्गत हमारी सरकार काम कर रही है। कितने पात्रों के लिए किस गांव में वितरित किया गया? देखिए ये प्रत्येक गांव में वितरण आज हुआ है। जो अन्न महोत्सव है ये पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन में मनाया जा रहा है और जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संचालित उनके निर्देशों के क्रम में संचालित की जा रही है उसी के प्रचार प्रसार हेतु आज इस महोत्सव को आयोजित किया गया है और हम जिस गांव में हैं यहां पर आज पूरा प्रशासन यहां पर उपस्थित है। यहां पर आदरणीय महेश्वरी जी हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं और यहां पे जितने भी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। उनको बैग्स में पर यूनिट 5 किलो के हिसाब से वितरण किया गया। जानने का कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे उन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ पाकर उनके जीवन में परिवर्तन आया है और किस प्रकार से और समस्याएं जो उनकी हैं उसका समाधान किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रयास देश के स्तर पे, चाहे वो भारत सरकार के स्तर पे हो या स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर हो, प्रयास लगातार हो रहा है कि किस प्रकार से हम कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारें, उसमें लीकेजेस ना हो, लाभार्थियों का चयन अच्छे से हो और जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का, जो मंशा है उसके अनुरूप सब लाभ आप तक पहुंचे। जो ये अन्य योजना है आपने देखा होगा कि जब पहली वेव आई थी कोविड की सबका रोजगार छिन गया था और उस समय जब खाने तक की मुसीबत हुई थी हर घर में हर गृहस्थी में, तो फिर ये निर्णय लिया गया कि हम लोग निःशुल्क वितरण राशन का करेंगे प्रत्येक परिवार को और वो कई महीनों तक चला और उसी के क्रम में ये योजना अभी भी संचालित हो रही है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि वो इस योजना को दिवाली तक चलाएंगे, बहुत हर्ष का विषय है। हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनको बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना घर पालना पड़ता है उसके लिए ये बहुत लाभकारी एक योजना है और आप सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। ये आवश्यक है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लीकेजेस ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आपको भी तत्परता से जो भी गड़बड़ियाँ आपको दिखती हैं आपको जिला प्रशासन की जानकारी में इसको लाना है। उसमें ये केणी ग्राम सभा भी है। आज केवल उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 80 लाख और उस दृष्टि से मैं बात करूं तो 3,60,00,000 और व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं
तो 15 करोड़ लोगों को आज के राशन से लाभ मिलेगा। और हमारी योजना है, उसमें हमारा संकल्प है, न कोई भूखा रहेगा न कोई भूखा सोएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और आम जनमानस का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। मैं इस मौके पर जो देश के बेहद गरीब लोग हैं उनकी शुभकामनाएं साथ लेते हुए पत्रकार मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ बस में बैठने वाले यात्री कहते थे कि यूपी आ गया, क्यों आ गया कि झटकी। जब अंधेरा शुरू होता था बिजली नहीं होती थी, लोग कहने लगते थे कि अब तो यूपी आ गया क्योंकि यहां बिजली नहीं है। जब लोग रात को भूखे सोते थे तो लोगों को समझ में आती थी कि हम यूपी में रहते हैं। जो प्रदेश के और देश के राजा थे वो लुटेरे का काम करते थे और मेरी जनता के लोग नारे लगाते थे आज से 20 साल पहले और कहते थे चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है। स्टेडियम में घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तोपों का घोटाला, स्टाम्प घोटाला, माने घोटालों की सरकार थी। और तो और खानदान घोटाला भी होता था, वो खानदान घोटाला अब रुक गया है।